दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है, जहां पे T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज के दिन टोटल 2 ब्लॉकबस्टर मैच खेले गए थे और इन दोनों मैचों के खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 का पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल गया है। पॉइंट टेबल में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको T20 वर्ल्ड कप 2024 का बिल्कुल नया पॉइंट टेबल बताएंगे और साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि इंडिया का अगला मैच कब होगा। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज 2 मैच खेला गया, जिसमें पहला मैच में यूएसए की टीम ने कनाडा की टीम को हरा दिया, तो वहीं पे दूसरा मैच में वेस्ट इंडीज की टीम ने पपुआ न्यूगांडिया को हरा दिया। तो ऐसे में काफी ज्यादा पॉइंट टेबल में बदलाव आ चुका है, तो आइए देखते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 का बिल्कुल नया पॉइंट टेबल। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दें, T20 वर्ल्ड कप 2024 में टोटल 20 टीम खेल रही है, जिसमें 5-5 टीम करके 4 ग्रुप में बांटा गया है, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप ए का। तो ग्रुप ए में 5 नंबर पर जो टीम है वो आज का पहला मैच हारने वाली टीम है, जी हाँ, कनाडा। कनाडा ग्रुप ए में 5 नंबर पर है, जो कि 1 मैच खेली है एंड 1 मैच हार चुकी है। तो काफी बुरा शुरुआत हुआ है कनाडा का, एंड इसका नेट रन रेट भी काफी ज्यादा माइनस में है, -1.451। इसके बाद 4 नंबर पर पाकिस्तान है, जो कि अभी तक एक भी मैच नहीं खेली है। उसके बाद 3 नंबर पर इंडिया है, जो कि अभी तक एक भी मैच नहीं खेली है, लेकिन इसका अगला मैच 5 तारीख को होने वाला है। जी हाँ, इंडिया का अगला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ रात 8 बजे है, इंडिया का टाइम टेबल से रात 8 बजे। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पर, तो 2 नंबर पर आयरलैंड है, जो कि इसका भी एक भी मैच नहीं हुआ है। वहीं पर 1 नंबर पर बात की जाए तो यूएसए है, जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट 1 नंबर पर है ग्रुप ए में, जो कि 1 मैच खेली है एंड 1 मैच में जीत मिला है इसको। तो 2 पॉइंट के साथ यूएसए ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है एंड नेट रन रेट भी काफी ज्यादा प्लस में है, +1.451। एंड इस तरह से यूएसए का काफी बेहतरीन शुरुआत हो चुका है। एंड आप लोगों को बता दें, यूएसए सुपर 8 में क्वालिफाई करने के रेस में सबसे आगे है। तो अब बात करते हैं ग्रुप बी का। तो ग्रुप बी में एक भी मैच नहीं खेला गया है, कोई भी टीम एक भी मैच नहीं खेला है। वैसे बात करें ग्रुप बी में कौन कौन सा टीम है, तो ग्रुप बी में आप लोगों को नोबाबिया, स्कॉटलैंड, ओमान, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो 5 टीम ग्रुप बी में भी है। अब बात करें ग्रुप सी का, तो ग्रुप सी में 5 नंबर पर जो टीम है आज की मैच हारने वाली टीम है, जी हाँ, पपुआ न्यूगानिया, जो कि 1 मैच खेली है एंड 1 मैच में इसको हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल में इसका टोटल पॉइंट है 0, जो कि नेट रन रेट भी काफी ज्यादा माइनस में है, -0.411। तो इस तरह से 5 नंबर पर पपुआ न्यूगानिया है। तो वहीं 4 नंबर पर युगांडा, जो कि अभी तक एक भी मैच नहीं खेली है। इसके बाद 3 नंबर पर अफगानिस्तान, जो कि ये भी अभी तक एक भी मैच नहीं खेली है। उसके बाद 2 नंबर पर न्यूजीलैंड, जो कि ये भी अभी तक एक भी मैच नहीं खेली है। अब बात करते 1 नंबर पर कौन सा टीम है, तो आज के मैच जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज नंबर 1 पर है। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2024 में वेस्ट इंडीज काफी बेहतरीन शुरुआत किया है, जो कि अभी तक 1 मैच खेला है एंड पहला मैच में ही जीत मिली है एंड पॉइंट टेबल में 2 पॉइंट के साथ है। नेट रन रेट भी काफी ज्यादा प्लस में है, +0.411। तो ग्रुप सी में 1 नंबर पर चल रहा है वेस्ट इंडीज एंड सुपर 8 में क्वालिफाई होने के रेस में भी 1 नंबर पर चल रहा है ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज का काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहला ही मैच में। अब बात करते हैं ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी में कोई भी टीम एक भी मैच नहीं खेली है। ग्रुप डी का अभी तक कोई भी टीम का एक भी मैच नहीं हुआ है, लेकिन बात करें ग्रुप डी में कौन कौन सा टीम है, तो ग्रुप डी में भी टोटल 5 टीम है, जिसमें अगर बात करिए कौन कौन सा टीम है, तो साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नीदरलैंड है और नेपाल है। तो ये रहा दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 का बिल्कुल नया पॉइंट टेबल, सेकेंड मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस पपुआ न्यूगानिया के खत्म होने के बाद। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है पर्सनली कमेंट जरूर करना। बाकी बात की कल, मतलब 3 जून को कौन कौन मैच होने वाला है, कब होने वाला है, तो कल 2 मैच खेला जाएगा, जिसमें पहला मैच ओमान एंड नोबाबिया के बीच सुबह में खेला जाएगा 6 बजे। वहीं पे बात की दूसरा मैच का, तो दूसरा मैच रात 8 बजे खेला जाएगा, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच। तो दोनों मैच आप लोग चाहो तो देख सकते हो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फ्री में। बाकी आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और आप लोग अगर क्रिकेट के फैन हो, T20 वर्ल्ड कप 2024 का बिल्कुल नया पॉइंट आप लोग को जानना है डेली का डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग एंड मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।